वेल चलो, मोल को क्या मिल गया था? वाटर रैट, राइट। तो जैसे ही वाटर वाटर रैट जो है बोलता है, हेलो मोल, सेड द वाटर रैट, वुड यू लाइक टू कम ओवर। उधर से वाटर रैट जो चिल्लाते हुए बोलता है, अ भैया मोल, सुशिंदर भाई कैसे हो, क्या तुम इधर आना चाहोगे? द रैट देन लाइटली स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट, रोड स्मार्टली अक्रॉस एंड मेड फास्ट। रैट जो है फिर धीरे से जो है एक छोटे से बोट पे चढ़ा और रोड स्मार्टली, रो मतलब नाव को खेते हैं ना पानी में चप्पू वगैरह का यूज करके, ओर का यूज करके, दैट इज कॉल्ड रोइंग। तो वो जो है स्मार्टली जो है वो रो करते हुए जो है पार किया और तेजी में पहुंच गया, मेड फास्ट मतलब तेजी में पहुंच गया। देन ही हेल्ड अप हिज फोर पॉ एज द मोल स्टेप्ड जिंजरली डाउन एंड फाउंड हिमसेल्फ एक्चुअली सीटेड इन द स्टर्न ऑफ ए रियल बोट। तब जो है जब नदी के किनारे पहुंचा तो फिर उसने अपना फोर पाव मतलब आगे वाला जो पंजा होता है वो उठाया, ठीक है, और मोल जो है वो जिंजरली मतलब धकमकाते हुए जो है मोल जो है वो नीचे उतरा और उसने खुद को कहां पाया? एक रियल बोट के स्टर्न में बैठा हुआ। डू यू नो, सेड मोल एज द रैट शव्ड ऑफ, आई हैव नेवर बीन इन ए बोट बिफोर इन ऑल माई लाइफ। क्या तुमको पता है, मोल ने कहा जब रैट जो है वो बोट को पुश करके जो है निकल रहा था फिर अगले दूसरे पार जाने के लिए। मोल उसे कहता है कि आई हैव नेवर बीन इन ए बोट बिफोर इन ऑल माई लाइफ, मैं जो अपनी पूरी जिंदगी में कभी जो है इससे पहले बोट में नहीं बैठा हूं। What? cried द रैट ओपन माउथ्ड। चूहा जो है बिल्कुल मुंह खुला ही रह गया चूहे का और वो चिल्लाया, क्या? बिलीव मी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नथिंग, एब्सोल्यूटली नथिंग हाफ सो मच वर्थ डूइंग एज सिंपली मेसिंग अबाउट इन बोट्स। बोलता है कि बिलीव करो भाई, यहां पर जो है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आधा भी उतना वैल्यू का जितना वैल्यू का क्या है, सिंपली मेसिंग अबाउट इन बोट्स। तो मतलब बोट्स में बैठ के मस्ती करना जो है वो जितना मजेदार है उसके आधा बराबर का भी कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। लुक हियर, इफ यू हैव रियली नथिंग एल्स ऑन हैंड दिस मॉर्निंग, वी कैन ड्रॉप डाउन द रिवर टुगेदर एंड स्पेंड अ लॉन्ग डे ऑन इट। अगर तुम्हारे पास वाकई कुछ नहीं करने के लिए है इस सुबह में तो हम जो है साथ ही जो है नदी में चलेंगे नीचे की तरफ मतलब डाउन द यू नो करेंट, और हम जो है लंबा दिन जो है यहां पर बिताएंगे। आई हैव पिकल्ड गेरकिंस, सैलड, फ्रेंच रोल्स, क्रेस, सैंडविचेस, लेमोनेड, सोडा वाटर। अरे भाई पिकनिक का पूरा सामान है उसके पास। ओ स्टॉप स्टॉप, क्राइड द मोल इन एक्सटेसी। मोल जो एकदम खुश होकर जो एकदम से भाव विभोर होकर बोला, अरे भाई बंद करो, रुक जाओ रुक जाओ, दिस इज सो न्यू टू मी, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया है। सो दिस इज अ रिवर, एक्सक्लेमेटरी, तो ये एक नदी है। द रिवर, करेक्टेड द रैट, दिस इज नॉट अ रिवर, दिस इज द रिवर, आई लिव ऑन इट एंड इन इट, मैं इस पे रहता हूं और इसमें रहता हूं, इट्स ब्रदर एंड सिस्टर टू मी, ये जो है मेरे लिए भाई और बहन की तरह है, एंड फूड एंड ड्रिंक, मेरे लिए खाना और पानी की तरह है, एंड नेचुरली वॉशिंग, तो मतलब कि मेरा भाई बहन समझो, खाना पीना समझो, नहाना समझो, सब यही है। इट्स माई वर्ल्ड एंड आई डोंट वॉन्ट एनी अदर, ये मेरी दुनिया है और मैं कोई दूसरी दुनिया नहीं चाहता हूं। वट लाइज ओवर देयर, आस्क द मोल, वेविंग ए पॉ टूवर्ड्स अ बैकग्राउंड ऑफ वुडलैंड। उधर क्या है, इशारा करते हुए जो है मोल पूछता है, अपना पंजा जो है वो लहराते हुए, किधर लहराते हुए? टुवर्ड्स अ बैकग्राउंड ऑफ वुडलैंड, वो पेड़ वेर लगा हुआ जो एक बैकग्राउंड है ना नदी के साइड में, उसकी तरफ इशारा करते हुए। ओके दैट्स जस्ट द वाइल्ड वुड, सेड द रैट शॉर्टली। ओ वो तो बस
जंगल है, हाँ, वी डोंट गो देयर वेरी मच, वी रिवर बैंकर्स, ठीक है, हम नदी के किनारे रहने वाले जो है उधर बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं. वीजल्स, स्टोर्ट्स, फॉक्सेस एंड सो ऑन लिव इन द वाइल्ड वुड. डिफरेंट एनिमल्स का नाम बताते हैं जो कि उस जंगल में रहते हैं. दे आर ऑल राइट इन ए वे, वो एक तरीके से ठीक हैं, बट वेल यू कांट रियली ट्रस्ट देम, लेकिन तुम बाकी उन पर भरोसा नहीं कर सकते हो. दैट्स द फैक्ट, ये सही बात है. फिर मोल जो पूछता है, एंड बियॉन्ड द वाइल्ड वुड अगेन, और उस वाइल्ड वुड के आगे क्या है? Where it's all blue and dim, and one sees what may be hills, or perhaps they may not be, and something like the smoke of tongues, or is it only a cloud? बोलता है कि वो वाइल्ड वुड के आगे क्या है, जहां पर सब जो है ब्लू और डिम जैसा लगता है, और ऐसा लगता है कि वो हिल हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, और ऐसा लगता है जैसे कि शहर से जो है धुआं निकल रहा है या फिर सिर्फ बादल है, right? तो वाइल्ड वुड के आगे के इस तरफ इशारा कर रहे हैं वो. और रैट फिर जवाब देता है, बियॉन्ड द वाइल्ड वुड कम्स द वाइड वर्ल्ड, वाइल्ड वुड के आगे आती है वाइड दुनिया, सेड द रैट, एंड दैट समथिंग दैट डजेंट मैटर इधर टू यू और मी, और वो ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल मायने नहीं रखती है या तो तुम्हारे लिए या फिर हमारे लिए. आई हैव नेवर बीन देयर, मैं कभी वहां नहीं गया हूं, एंड आई एम नेवर गोइंग, और मैं ना तो कभी जाने वाला हूं, नॉर विल यू इफ यू हैव गॉट एनी सेंस एट ऑल, और ना ही तुम जाने वाले हो अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी अकल है. डोंट एवर रेफर टू इट अगेन प्लीज, दोबारा जो है कृपया इसकी चर्चा मत करना. सो वेल दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अब आप लोग सोचिए कि फिर रैट और मोल जो है वो किधर जाते हैं, कहाँ की जर्नी करते हैं. So that's the end of this chapter. You will have few more reading based questions for this section, and then we will meet in the next session where we will look at the comprehension section of this chapter. So see you then. Bye.